क्वेश्चन नंबर 62। देर आर टू इन्फिनिटली लॉन्ग पैरेलल वायर वन एंड टू कैरिंग करंट आई एंड टू आई फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन एंड प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी अपार्ट। अ थर्ड इन्फिनिटली लॉन्ग वायर कैरिंग अ करंट आई एक्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द अदर टू इज प्लेस्ड बिटवीन द टू वायर एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम वायर वन शुड बी कैप्ट सो दैट नो फोर्स एक्ट ऑन इट। देखो यहाँ पर यह कि हमारे पास दो वायर है, लेट ये फर्स्ट वायर और ये सेकेंड वायर, ठीक है। इन दोनों में जो करंट फ्लो कर रहा है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और इसमें आई है और इसमें करंट है टू आई। अब बोला गया कि हम एक थर्ड वायर को ला रहे हैं और इनको इन दोनों के बीच में रख रहे हैं, तो लेट इन दोनों के बीच में मतलब कहीं पर भी, ये नहीं पता कितनी दूरी पर, तो लेट ये हमारा थर्ड वायर है और बोला गया है कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो लेट इसमें करंट नीचे की तरफ है और हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू कितनी है, आई एक्स कितना है, ठीक है। मतलब करंट आई एक्स गिवन है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द अदर टू इज प्लेस्ड बिटवीन द टू वायर एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द वायर वन। अब ये पूछा गया है कि फर्स्ट वाले वायर से इस सेकेंड थर्ड वाले वायर को हम कितनी डिस्टेंस पर रखें कि इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो देखो हम क्वेश्चन करेंगे बाद में, पहले कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी दो वायर है और उन दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब वो क्यों करते हैं? क्योंकि मान लो आपको पता है अगर कोई भी वायर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है उस पर फोर्स लगती है क्यू इक्वल टू एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ठीक है। तो यहाँ पर ये मान लीजिए वायर है, तो ये वायर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी इस वायर वाले वायर की, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस वाले वायर पर कुछ फोर्स लगाएगी, वो आई एल बी होता है। अच्छा, जो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है, दोनों वायर के बीच में जो फोर्स लग रही होगी उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन में टू पाई इंटू में उनके बीच का सेपरेशन। तो लेट उनके बीच का सेपरेशन अगर डी है, तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे इस मैग्नीट्यूड की, ठीक है। दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगी, न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पर भी फॉलो होता है। और अगर ये वायर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होता है, तो देखो फोर्स का फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट हो तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये तो वही कंसेप्ट की बात। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखो यहाँ पर इन दोनों वायर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला वायर थर्ड वाले वायर को रिपेल करेगा। तो जब ये रिपेल करेगा तो इस पर ये फोर्स इस तरफ लगाएगा, तो ये मान लेते हैं फोर्स होगी थर्ड वायर पर फर्स्ट वाले वायर की वजह से। और सेकेंड वाला वायर और फर्स्ट जो थर्ड वाला वायर है उन दोनों में भी करंट अपोजिट है, तो ये वाला वायर इस पर फोर्स लगाएगा इस तरफ, तो वो होगा फोर्स ऑन थ्री ड्यू टू टू। अब इस थर्ड वाले पर नेट फोर्स जीरो होने के लिए कंडीशन क्या होगी? कि जो फोर्स थर्ड वायर पर लग रही है फर्स्ट की वजह से वो बराबर होनी चाहिए फोर्स ऑन थर्ड वायर ड्यू टू वायर सेकंड। मतलब इन दोनों फोर्स को आप इक्वल पुट करेंगे तभी इस पर नेट फोर्स जीरो लगेगी, ठीक है। वैसे भी अगर आप नेट फोर्स देखो तो वो नेट फोर्स कितनी होगी, एफ थ्री वन माइनस एफ थ्री टू, और ये नेट फोर्स जो कि एंटी पैरेलल है ना, अपोजिट है तो माइनस करेंगे, और ये कितना होना चाहिए, जीरो। तो इसी से जब आप इसको इस तरफ लाओगे तो कंडीशन आ जाएगी एफ थ्री वन इक्वल टू एफ थ्री टू। अब दो वायर के बीच में जो फोर्स लगती है उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, उसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। तो थर्ड और फर्स्ट के बीच में अगर हम फोर्स देखें तो वो कितनी आएगी, वो होगी म्यू नॉट इन दोनों में जो करंट है उसका प्रोडक्ट, तो आई इंटू में आई एक्स डिवाइड में क्या आएगा, टू पाई। मैंने माना कि ये जो थर्ड वायर है वो फर्स्ट वाले वायर से एक्स डिस्टेंस पर रखा हुआ है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, टू पाई इंटू में एक्स इक्वल टू। अब देखो इन दोनों वायर के बीच में शुरुआत में सेपरेशन हमें डी दे रखा था, डी ए पार्ट वन और टू में, तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स है तो ये जो डिस्टेंस बचेगा यानी कि सेकेंड और थर्ड वाले वायर के बीच में वो कितना हो जाएगा, डी में से एक्स माइनस कर देंगे। तो फोर्स बिटवीन थ्री एंड टू कितना आएगा, म्यू नॉट इसमें करंट कितना है, टू आई, मतलब प्रोडक्ट ऑफ करंट हम लेते हैं ना, म्यू नॉट आई वन आई टू, और इसमें करंट कितना है, आई एक्स, और डिवाइड में क्या, इनके बीच का सेपरेशन यानी कि डी माइनस एक्स। अब दोनों तरफ जो चीज़ें कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करते हैं, जैसे म्यू नॉट आई इंटू आई एक्स, म्यू नॉट आई इंटू आई एक्स, यहाँ से टू पाई और यहाँ से भी टू पाई, तो इसका मतलब ये कि हमें मिलेगा वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन में डी माइनस एक्स, और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो डी माइनस एक्स इक्वल टू आएगा टू एक्स, एक्स को इस तरफ ले आओ तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, थ्री एक्स, हमें एक्स चाहिए तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी बाय थ्री। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक
ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमने अप्लाई करा, उसी से दोनों फोर्स का इक्वल एंड अपोजिट लगेंगी, तभी नेट फोर्स जीरो होगी। वहां से हमने एक्स डिस्टेंस फाइंड करा, तो ये जो एक्स आया ये फर्स्ट वाले वायर से आ रहा है, कि फर्स्ट वाले वायर से ये डी बाई थ्री पर होना चाहिए।